नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को आप सभी। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आरती क्यों उतारी जाती है, आरती का क्या महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूजा में सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण आरती होती है। आरती हम हर पूजा जो भी करते हैं, चाहे दिवाली हो या नवदुर्गा हो या कोई बड़ी पूजा हो घर में, सभी में हम जब पूरी पूजा करते हैं, सबसे मेन उसमें मुख्य आरती का काम होता है। आरती में हम सभी पूरा परिवार या पूरा हमारे भाई बंधु जो भी होते हैं, सब एक साथ होकर एक आरती करते हैं। उस आरती में जिस भी प्रतिमा, जिस भी देवी देवता या संत महात्मा की हम आरती उतारते हैं, उसमें विद्यमान पवित्र कण सक्रिय होने लगते हैं और जिसका लाभ आरती उतारने वाले को पूर्णतः मिलता है। ये हम पूरी तरह से जान चुके हैं ग्रंथों से। नकारात्मक नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मकता जो होती है हमारी, वो चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर देवी देवताओं की आरती करने से आती है। तो आप ये जरूर जानिए कि हमें आरती उतारने से कितना ज़्यादा फायदा है और आरती करने से हमारे घर की, चारों ओर की, हमारे आसपास की नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिव या सकारात्मकता एनर्जी हमारे पास आती है। इसलिए हम आरती को करते हैं, इसलिए हम आरती उतारते हैं। आरती उतारने का हमारे यहाँ प्राचीन समय से बहुत महत्व है। युद्ध भूमि में जाते हुए राजा को रानियाँ आरती उतार कर भेजती थी ताकि वो विजयी हों, है ना। और आज के समय में माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो उनकी आरती उतारते हैं ताकि वो अपने जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। तो सफलता सूचक आरती मानी गई है ये प्राचीन काल से भी है। तो हम सबको इस चीज़ पर पूरा विश्वास और पूरा मन से ये चीज़ अपने मन में रख लेनी चाहिए कि आरती हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके करने से हम महत्वपूर्ण और हर तिथि को, हर समय पर, जैसे कि दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है, रामनवमी है, नवदुर्गे हैं, हम माँ की आरती उतारते हैं, माँ से अपनी इच्छा करते हैं, तो जरूर ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उस समय देवी देवता हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ जो भी हैं हमारे आसपास, जिनको हम पूरे मन से मानते हैं, वो सकारात्मक हो जाती हैं और हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उन्हें अवश्य पूर्ण करती हैं और हम पूरी तरह से अपने दुखों को भूलकर सुखी जीवन बिताने के लिए ईश्वर की कृपा पा लेते हैं और हम धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए हमें आरती करना चाहिए और आरती का किए करने का हमें एक तरीका पता होना चाहिए, जो कि तरीका मैंने आपको बताया कि आरती पूरे मन से और पूरे ध्यान पूर्वक करनी चाहिए और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसकी आरती उतारते समय हमें पूरा एकाग्र मन और पूरी विधि विधान से आरती को करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें चैनल को।